इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी आपने देखा होगा कि जब आपको कम्युनिकेशन करना होता है किसी से तो अगर आपके आसपास वो लोग हैं तो आप पर्सनली जाके उनसे बातचीत कर सकते हैं लेकिन अगर कोई पर्सन आपसे बहुत दूर है तो आप उसे कैसे कम्युनिकेट करेंगे तो दैट इज़ मोबाइल फ़ोन मोबाइल फ़ोन का यूज़ करेंगे टेलीफोन का यूज़ करेंगे और आप जो है उसे बात करेंगे तो आपने जो है कम्युनिकेशन के लिए मोबाइल फ़ोन का यूज़ किया ना यूज़ किया वही चीज़ टेक्नोलॉजी कहलाते हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसी तरीके से आपके पास फ़ोटोज़ हैं वीडियोज़ हैं आपको उसको सेव करना है तो आप कहाँ सेव कर सकते हो आप हार्ड डिस्क में पेनड्राइव में या फिर आप गूगल ड्राइव में जा सकते हो वहां पे आप जो है सेव कर सकते हो तो ये चीज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है तो यानी कि जब भी आप कंप्यूटर का या फिर किसी नेटवर्किंग का या फिर किसी स्टोरेज डिवाइस का यूज करते हैं अपने डेटा को अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए क्रिएट करने के लिए या फिर उसको एक्सचेंज करने के लिए तो वही चीज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहलाती है आपने देखा होगा कि आप लोग आपके दोस्त हो सकते हैं या फिर कोई जानने वाला हो सकता है कि आप कहां जॉब करते, है, तो है, करते हैं तो वो कहते हैं हम आई कंपनी में जॉब करते हैं तो आई कंपनी कौन होगी वो कंपनी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करती है वो मोबाइल फोन हो सकता है वो हार्डवेयर हो सकता है वो सॉफ्टवेयर हो सकता है वो एप्लीकेशन हो सकता है या फिर कोई ई हो सकता है क्लियर तो वो आई कंपनी कहलाती है आई कंपनी का मतलब ये नहीं होगा कि खाली जो है मोबाइल बना रही है फिर कंप्यूटर uh, बना रही है वो एप्लीकेशन भी बना सकती हैं वो ई बना सकती हैं ठीक है तो यानी कि कुछ ना कुछ जो है वो uh, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोडक्ट डेवलप कर रही होती हैं तो द यूज़ ऑफ एनी कंप्यूटर्स स्टोरेज नेटवर्किंग एंड अदर फिज़िकल डिवाइसेस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोसेस टू क्रिएट प्रोसेस स्टोर सिक्योर एंड एक्सचेंज ऑल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा तो यानी कि जब भी आप किसी कंप्यूटर स्टोरेज नेटवर्किंग या फिर किसी दूसरे फिजिकल डिवाइसेस का यूज़ करते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक डेटा को एक्सचेंज करने के लिए स्टोर करने के लिए उसको सिक्योर करने के लिए तो वो चीज़ क्या कहलाती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहलाती है तो मोबाइल फ़ोन पर्सनल कंप्यूटर रेडियो एप्लीकेशन जो आप मोबाइल्स में बहुत सारे एप्लीकेशन यूज़ करते हैं एम ऑफिस जो आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट या फिर एक्सेल जो है आप यूज़ करते हैं वर्ड यूज़ करते हैं वो सब है वो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी के अंदर ही आता है क्लियर तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें कि क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट कि एक्विजिशन स्टोरेज मैनुपलेन मैनेजमेंट ट्रांसमिशन ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन तो आप आई यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके आप इंफॉर्मेशन को या फिर डेटा को एक्वायर कर सकते हो उसको स्टोर करके रख सकते हो उसको मैनुपुलेट चेंजेस कर सकते हो उसको मैनेज कर सकते हो यानी कि अलग अलग फोल्डर में जो मैनेज कर सकते हो अलग अलग फोल्डर में रख सकते हो अलग अलग डिवाइस में रह सकते हो उसको ट्रांसमिट कर सकते हो आप देखते होंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं ना आप हार्ड डिस्क में डेटा सेव कर रहे हैं क्लियर आप एक्विजिशन कर रहे हैं यानी कि गूगल गए गूगल से आपने गूगल का यूज़ किया वहाँ से आपने जो है इन्फॉर्मेशन सिक्योर कर ली आप जो है मैनिपुलेट कर रहे हैं यानी कि डेटा को चेंज कर सकते हैं आप मैनेज कर रहे हो आपने जो है अपना एक कंप्यूटर में आपने एक फोल्डर बनाया उसमें चार पाँच फोल्डर बना दिए कि वहाँ पर एक जगह पर आपने लिख दिया मार्केटिंग में दूसरे पर लिख दिया आपने फाइनेंस तीसरे पे लिख दिया कि मैनेजमेंट इन्फार्मेशन सिस्टम यानी कि आप उसको मैनेज कर सकते हो अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वहाँ पर आप डेटा को सेव कर सकते हो और उसको ट्रांसमिट भी कर सकते हो यानी कि शेयर कर सकते हो वो ई के जरिए कर सकते हो वो व्हाट्सएप के जरिए से कर सकते हो टेलीग्राम के जरिए कर सकते हो ये सब क्या है ये इफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कैरेक्ट्रिस्टिक्स है उसका इंपॉर्टेंस भी कह सकते हैं आप तो रियल टाइम एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है कि आप रियल टाइम पर जो है इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो आज के टाइम पर आपको शॉपिंग करना है ट्वेंटी फोर इंटू सेवन आप कभी भी जो है वेबसाइट ओपन करिए आप ऑनलाइन पेमेंट करिए प्रोडक्ट परचेज करिए आपके घर जो है प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है तो रियल टाइम एक्सेस टू इफॉर्मेशन द डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ मेड एजुकेशन सिस्टम सिंपल सिंपलर ईजियर एंड वाइड स्पेड। आप सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो अभी अभी कोविड की सिचुएशन आपने देखा क्या हुआ वहाँ पर जूम का यूज़ करके और डिफरेंट डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज़ करके जो एजुकेशन जहाँ पे स्कूल्स में बच्चे स्कूल्स में जो है पढ़ाई करने के लिए जाते थे वो चीज़ सारा कुछ जो है ऑनलाइन हो गया था तो ऑनलाइन कैसे हो पाया वो जो एजुकेशन है जो बच्चों की स्कूलिंग है सारा का सारा वो अपने घर पे बैठ पर बैठ कर कैसे पढ़ पाए ड्यू टू इंफॉमेशन टेक्नोलॉजी वो मोबाइल का यूज़ कर थे वो लैपटॉप का यूज़ करे थे वो एप्लीकेशन का यूज़ किए यूज और वो नेटवर्क का यूज़ किए वो जो है घर पर बैठ के अपनी पढ़ाई कर सके कोविड के ड्यूरेशन में तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि यानी कि आप जो है घर बैठे जो है यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप जो है एजुकेशन में एजुकेशन पा सकते हैं आज के टाइम पर आप देखिए कोचिंग करनी है आप यूट्यूब पर है या फिर जो है डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशनस है उसका यूज़ करिए आप घर पर बैठ अपनी कोचिंग कर सकते हैं तैयारी कर सकते हैं क्लियर इफेक्टिव एंड फास्ट कम्युनिकेशन बट ऑबिस बात है कि आई टी का यूज़ करके आप इफेक्टिव और कम्युनिकेशन फास्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं कहीं पर भी ऑल ओवर वर्ल्ड आप कहीं पर भी हो ट्विटर के जरिए आपने ट्विट किया पूरे इंडिया को पता दुनिया को पता चल गया आप ई मेल कर दिए वहाँ से चंद सेकेंड में आपके घर पर आप जो है ई मेल आ गया आप कहीं पर भी इंडिया के किसी दूसरे छोर पर दूसरे छोर को कम्युनिकेट करना है तुरंत के तुरंत आप जो ई मेल करिए चंद सेकेंड में जो है आपके पास ई मेल आ जाता है तो ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा आई के जरिए क्या हुआ कि जो डेटा है ना आसानी से अवेलेबल है आज के टाइम पे आप कोई भी इंफॉर्मेशन आपको एक्सेस करनी है आप कहीं पे भी किसी रूरल एरिया में हो चाहे अर्बन एरिया में हो आसानी से उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं क्लियर आपको बैंकिंग ऑपरेशन हैं आपको अपना अकाउंट बैलेंस जानना है तो आपको अब आप जो है बैंक में जाने की जरूरत नहीं है आप कहीं पर भी हो आप, आपका अकाउंट हो सकता है कि नॉर्थ साइड इंडिया नॉर्थ इंडिया में हो और आप जो है साउथ इंडिया में हो आप आसानी से अपने बैंक के डिटेल्स चेक कर सकते हैं वहाँ से जो है डेटा को अवेलेबल कर सकते हैं कनेक्ट जियोग्राफिकली डिस्पर्स एरिया यानी कि आई टी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही यूज़ करके जो है डिफरेंट डिफरेंट जो डिस्पर्सड जियोग्राफिकल एरिया हैं बहुत दूर फैले जियोग्राफिकल एरियाज हैं उनको जो है आसानी से आप कनेक्ट कर सकते हैं आप जो है एजुकेशन uh, में ही देख लीजिए तो वहाँ पे क्या है जूम ऐप का ज़रिए या फिर कोई दूसरा एप्लीकेशन है गूगल क्लासरूम का जो है ऐप है उसका यूज़ करके आप चाहे वो बच्चा रूरल एरिया में रह रहा हो गांव में रह रहा हो या फिर वो शहर में है आसानी से आप जो है सबको एक साथ कनेक्ट कर सकते थे हेल्प पुलिस टू नैविंग क्रिमिनल्स आजकल के टाइम पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो पुलिस है वो क्रिमिनल्स को आसानी से कैच कर सकती हैं तो यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अलग अलग करेक्ट्रिस्टिक्स हैं और हर फील्ड में हर सेक्टर में आई जो है वो यूज़ किया जा रहा है इन्फॉमेशन टेक्नोलॉजी यूज़ किया जा रहा है चाहे वो मेडिकल हो चाहे वो एजुकेशन हो चाहे वो बिज़नेस हो चाहे वो पॉलिटिक्स हो चाहे वो सरकार को चलाना हो हर जगह पर जो आई का लॉ हो हर जगह आई का यूज किया जा रहा है तो आई टी इनेबल्ड सर्विस का मतलब क्या हो गया कि कि यानी ऐसे सर्विसेज जिस जो कि आई टी का यूज कर रही है तो उसको हम इनेबल्ड सर्विसेज सर्विसेज कहते हैं आर दैट हैव बीन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कि वो सर्विसेज जो कि ट्रांसफॉर्म हुई हैं जो कि चेंज हुई हैं इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके चाहे वो एजुकेशन को देख लीजिए चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग को देख लीजिए चाहे वो बैंकिंग सर्विसेज को देख लीजिए पहले बैंक में जाते थे पासबुक लेके जाते थे वहाँ पे विड्रॉ करते थे तब आपको पैसा मिलता था आज के टाइम पे आप एटीएम टी जाके यूज़ कर सकते हैं या फिर यूपीआई का यूज़ या फिर इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ करके आप कभी भी पेमेंट कर सकते हैं कभी भी अपने अकाउंट स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं और साथ ही साथ आप ऑनलाइन शॉपिंग का देखिए तो कभी भी आप जो है परचेज करिए प्रोडक्ट कोई दिक्कत नहीं है तो आई टी इनेबल सर्विसेज इनेबलिंग देम टू डिजिटाइज क्विफाइड एंड फ्रेगमेंटेड एंड दे एबल टू बी अंडर टेकन एट एनी डिस्टेंस फ्राम द कोर बिजनेस एंड फाइनल कस्टमर यानी कि आई टी की वजह से ही आज के टाइम पर जो कोर बिजनेस हैं और जो कस्टमर हैं उनके बीच में कोई भी डिस्टेंस हो वह आसानी से कवर अप किया जा सकता है अमेजोन है फ्लिपकार्ट है वहाँ पर जो अलग अलग शॉपकीपर्स हैं वो अपना जो है प्रोडक्ट अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट जो है लिस्ट करते हैं और एक कस्टमर जो कहीं रूरल एरिया में दूर जगह बैठा है वो आसानी से उस कस्टमर उस शॉपकीपर का प्रोडक्ट परचेज कर सकता है क्यों क्योंकि बिकॉज ऑफ अमेज़न बिकॉज ऑफ़ फ्लिपकार्टे आई टी इबल सर्विसेज क्लियर तो हम इनको जो है रिमोट सर्विस या फिर वेब इनेबल्ड सर्विस के नाम से भी जानते हैं तो आई टी इनेबल्ड सर्विस यानी कि ऐसे सर्विसेज जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, की वजह से पॉसिबल हुआ है जैसे ओला या फिर ऊबर का देख लीजिए तो ओला उबर क्या है वो एप्लीकेशन आप यूज़ करते हो और आप आसपास कोई भी कार घूम रही होगी ओला उबर से अटैच होगी वो आप जो है आसानी से उसको हायर कर सकते हो ऑनलाइन एजुकेशन का देख लीजिए कहीं पर भी आप बैठे हो आसानी से जो है ऑनलाइन कोर्सेज का यूज़ कर सकते हो कोचिंग कर सकते हो घर बैठे शॉपिंग देख लीजिए तो कहीं पर भी बैठ के शॉपिंग कर सकते हो तो दैट IT enabled services clear तो डिफरेंट डिफरेंट आई टी एनेबल्ड सर्विस आपको देखने को मिलेंगे जैसे कि एजुकेशनल सर्विसेज जो कि हमने बात कर ली ओ टी टी प्लेटफॉर्म आप जो है पहले मूवीज़ देखने के लिए आपको जो है मूवी थिएटर में जाना होता था लेकिन नहीं अब जो है आउट ओ टी टी प्लेटफॉर्म हो गया है अमेज़ॉन प्राइम है या फिर नेटफ्लिक्स है आसानी से आप घर बैठ कर इंटरटेमेंट सर्विसेज़ का यूज़ कर रहे हैं डिजिटल मेडिकल इक्विपमेंट्स आजकल के टाइम पर शुगर की मशीन हो गई या फिर बी पी के मशीन हो गई आप खरीद लीजिए घर बैठ के जो है आप नजर कर सकते हो आपकी बी पी कितना आपका शुगर कितना है तो यानी कि बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो कि मेडिकल में हैं और आई टी इनेबल्ड हैं ऑनलाइन शॉपिंग जो आप कर रहे हैं ऑनलाइन बैंकिंग हो गई ये सब क्या आई टी इनेबल्ड सर्विसेज हैं इसी तरीके से अगर आप बिजनेस में देखें तो बहुत सारे आई टी एस सर्विसज हैं जैसे कि के पी ओ यानी कि नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारी ऐसे कंपनीज होती हैं जो खुद के यहाँ पे अकाउंट अकाउंटेंट नहीं रखती हैं वो ऐसे कंपनीज जो कि अकाउंटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं उनको हायर कर लेती हैं रिसर्च कंडक्ट कराना हो वेब डिज़ाइन करना हो तो वो सर्विसेज उनसे ले लेते हैं दैट इज कॉल्ड के पी ओ नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग बी पी ओ आपने सुना ही होगा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग बहुत सारे ऐसे कंपनीज होती हैं जो अपने यहाँ पे खुद का कस्टमर केयर ना खोलकर जो है अपने उस कस्टमर केयर के जो डिपार्टमेंट होता है उसको ट्रांसफर कर देती हैं किसी बाहर के लोगों को तो उसको कहते हैं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है तो बाहर के लोगों को हायर कर लेती हैं तो दैट इज कस्टमर केयर टेक्निकल सपोर्ट ये सब क्या है बी है ये भी आई की वजह से पॉसिबल हुआ है आपने देखा होगा कि कॉल सेंटर में होता है तो कॉल सेंटर में क्या होता है कि बाहर के लोगों को कॉल करने के लिए इंडिया में कॉल सेंटर ओपन किया गया है इंडिया के लोग जो है बाहर के लोगों को कॉल कर रहे होते हैं इस सब क्यों पॉसिबल बिकॉज़ ऑफ आई टी इनेबल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से ये पॉसिबल हुआ कि बाहर के लोगों को आपको जो प्रोडक्ट सेल करना है तो आप इंडिया में बैठ के इंडिया के लोगों द्वारा जो है बाहर के लोगों को प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं क्लियर इसी तरीके से लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग है कॉल सेंटर्स हो गए लॉजिस्टिक मैनेजमेंट हो गया तो हर जगह पे जो है आईटी टी इनेबल्ड सर्विसेज जो है आपको मिल जाएंगे आजकल जो है डॉक्टर से कंसल्टेंसी लेनी है तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है आप जो है घर बैठ के उनको वीडियो कॉल करके जो है उनसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं और वो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन भी आपको जो है ऑनलाइन देते हैं और आप जाके मेडिकल शॉप पर मेडिसिन परचेज कर लेते हो तो दैट इज़ आई टी इनेबल्ड सर्विसेज क्लियर तो बहुत सारे आपको आई से रिलेटेड जो आई टी इनेबल्ड सर्विसज़ कंपनीज़ हैं वो आपको मिल जाएंगी जैसे एस सी एल टेक्नोलॉजी लिमिटेड है इनफोसिस टेक्नोलॉजीज़ है टी सी ए स्टार्टअप कंसल्टेंसी सर्विसेज है टेक महिंद्रा हो गई एन आई आई टी टेक्नोलॉजीज़ हो गए ये सब क्या है ये आई टी इेबल्ड कंपनीज़ हैं जो कि आई टी से रिलेटेड प्रोडक्ट डेवलप करती हैं आई टी से रिलेटेड प्रोडक्ट सर्विसेज जो है प्रोवाइड करती हैं क्लियर तो ये जो है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पे ओवरऑल अगर, अगर आप कहें तो क्या है कि वो सारी चीज़ें वो सारे कंप्यूटर वो स्टोरेज वो नेटवर्किंग वो फिज़िकल डिवाइसेस, जिनका यूज़ आप जो है डेटा को एक्सचेंज करने के लिए डेटा को स्टोर करने के लिए डेटा को सिक्योर करने के लिए डेटा को क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं तो वो चीज़ क्या कहलाती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहलाती है वो हार्डवेयर भी हो सकता है वो सॉफ्टवेयर भी हो सकता है एप्लीकेशन भी हो सकता है क्लियर यू ऑल द बेस्ट के वॉचिंग